Brought to you by Khata Book. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। अपने लिए पेट भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या करें? पैसे ही नहीं है घर में, मजदूरी करेंगे। सरकार ने यहाँ तक नौबत ला दी है हमारी, यहाँ धरना दे रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही कर करके पेट भरेंगे अपना, क्या करें? सरकार ने हमें इस लायक ही नहीं छोड़ा। ये महिला एक अतिथि शिक्षक है जो अपनी मांग को लेकर धरने पर थी। तस्वीरें आपको बहुत कुछ याद दिला देंगी। तब इनका साथ देने वाली बीजेपी अब इनकी मांग नहीं सुन रही है और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल जब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी तो अतिथि विद्वानों ने कांग्रेस सरकार से नियमितीकरण की मांग की थी जो कि पूरी नहीं हो पाई थी। इनकी मांगों को लेकर ही ज्योतिराय सिंधिया ने कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सिंधिया खुद सड़क पर उतरेंगे। पहले आप उनके उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने अतिथि विद्वानों को ये वादा किया था। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिराज का संध्या भी उतरे। पर सरकार अभी बनी है, एक वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, और अगर बारी ना आए चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। सुना, सिंधिया के इस बयान से ही मध्यप्रदेश की पूरी सत्ता पलट गई थी। तब शिवराज से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को प्रमुखता दे रहे थे, पर आज हालात कुछ और हैं। आज बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। अब कांग्रेस सिंधिया के बयान और बीजेपी के वादों को झूठा बताकर चुनावी मैदान में है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जनता बीजेपी को इसकी सजा देगी। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज का झूठ बेनकाब हुआ है। चिल्ला चिल्ला कर विधानसभा के जो जवाब है वो बता रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने और ज्योतिराज सिंधिया ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या के जो बहाने बनाए वो पर्दाफाश हुआ उनका। आप देखो, अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे आने की बात करने वाले ज्योतिरादित्य जी ने उनको सड़क पे ला दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का जवाब कह रहा है। मैं मानता हूं सारे अतिथि विद्वान इस चुनाव में इनको इसका इस तांडव का इस अत्याचार का इनसे बदला। वहीं बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस की सरकार 15 महीने सत्ता में थी, तब कांग्रेस ने इन अतिथि विद्वानों की क्यों नहीं सुनी? लग गई है वो, और उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था वो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो घोषणा पत्र में होने के बाद वादा पूरा नहीं किया। और आप अचम्मा तो देखिए, फिर से कर्ज माफी की बात वो लोग कर रहे हैं जो 15 माह में कर्ज माफ जिनने नहीं किया। 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब अतिथि शिक्षकों की बात कह रहे हैं, ये झूठ पर झूठ बोलने जनता जानती है इनको। आपको 15 महीने का समय दिया था तो क्यों नहीं किया, कुछ तो करते भाई। अतिथि शिक्षकों के लिए 1 कदम तो चलते, 2 कदम तो चलते। वहीं कभी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और धरना करने वाले अतिथि शिक्षक अब कांग्रेस की तरफ दिख रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की माने तो कांग्रेस कम से कम ये तो कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें नियमित किया जाएगा और निर्णय पहली कैबिनेट में लिया जाएगा। वर्तमान सरकार ने विधानसभा में अभी हाल ही पूछे गए प्रश्न में बताया है कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितकरण की कोई योजना नहीं है, जबकि उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो के पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों का नियमितकरण करेंगे, जबकि वर्तमान सरकार कुछ भी बोलने से बच रही है। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारों को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए, बार बार हमारे नामों को लेकर राजनीति न करें, वरना
मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान उपचुनाव में निर्णय ले चुके हैं, उस विकल्प के साथ जाएंगे जो उनकी बात करेगा, जो उनके मामलों को सुलझाएगा। इसका खामियाजा उस पार्टी को निश्चित भुगतना पड़ेगा जो वर्तमान सरकार में होते हुए भी हमारी बात को नहीं कर रही है, हमारे पर विचार नहीं कर रही है। बहरहाल सत्ता पलटने से लेकर बनाने तक अतिथि शिक्षकों और विद्वानों ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था, या यूं कह ले कि इनकी मांगे पूरी ना करने पर ही कमलनाथ की सरकार पलट गई थी। अब फिर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अतिथि विद्वान के नियमितीकरण को मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस सभी 28 विधानसभा सीटों पर इस मुद्दे को अपने फायदे में भुनाने की कोशिश में है। बताया गया है करीब 4000 अतिथि व्याख्याताओं और लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक राज्यभर के स्कूलों कॉलेजों में काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण के इंतजार में हैं। भोपाल से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।